रूस यूक्रेन की जंग की शुरुआत क्रीमिया में हुई और अब जंग का एपिसेंटर फिर क्रीमिया ही पहुंच चुका है। क्रीमिया के लिए रूस का कवच उसकी ब्लैक सी फ्लीट है और यूक्रेन की चुनौती इस ब्लैक सी फ्लीट को भेदना था। जंग की शुरुआत से ही ब्लैक सी में रूसी नेवी को हराना नामुमकिन माना जा रहा था, लेकिन यूक्रेन ने जंग की शुरुआत से ही ब्लैक सी में हमलों का सिलसिला नहीं रोका और पिछले दो महीनों में यूक्रेन की सेना ने कुछ ऐसा कर दिया है कि अब ब्लैक सी का पूरा गेम ही बदलने लगा है। कैसे, देखिए सुपर प्राइम टाइम की यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 500 से ज्यादा वॉरशिप, हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज और कैलिबर पावर, यह है दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली पुतिन की नेवल फोर्स। अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझी जाती है और इसका मुकाबला हो रहा है दुनिया की 35वीं नंबर की यूक्रेन नेवी से। और इस मुकाबले का एपिसेंटर है ये ब्लैक सी, जहां अभी तक के मुकाबले में यूक्रेन ने बार बार ये साबित किया है कि समंदर में रूस अजय नहीं है। और इसकी शुरुआत होती है इस दिन यूक्रेन ने रूस की ताकत के प्रति मॉस्कोवा शिप को एक ही धमाके से समंदर में दफन कर दिया। इसके बाद से ब्लैक सी में रूस पर जख्मों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूसी नेवल बेस हेडक्वार्टर पर हमला किया। इस हमले में एक बार फिर रूसी नेवल फोर्स को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि रूस की ओर से अभी नुकसान की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन तस्वीरों से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि रूसी नेवी को एक बार फिर गरारी चोट लगी है, क्योंकि इस हमले के फौरन बाद ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने खुलासा करने में देरी नहीं की कि अब रूसी सेना ब्लैक सी की जंग हार चुकी है। यूक्रेन ने पिछले तीन महीनों में जिस तरह से ब्लैक सी में रूसी सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, उससे रूसी सेना की ब्लैक सी फ्लीट पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और अब वो किसी भी मुकाबले के लायक नहीं बची है। भले ही इसका ऐलान करने में वक्त लगे, लेकिन रूसी नेवी ब्लैक सी में हार चुकी है। रूसी सेना अगर ब्लैक सी में हार चुकी है तो ये दुनिया का भूगोल बदलने वाली खबर है, क्योंकि ब्लैक सी में वर्चस्व के कारण ही रूस पूरी दुनिया में एक बड़ी ताकत माना जाता था। सिर्फ यही नहीं, ब्लैक सी में दबदबे के कारण ही ग्लोबल कारोबार पर भी रूस की मजबूत पकड़ थी। हालांकि ब्रिटेन के दावे को एक तरफा भी माना जा सकता है, लेकिन यह भी सच है कि यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। 4 अगस्त को यूक्रेनी हमले में रूसी लैंडिंग शिप गॉर्नियाक को यूक्रेन ने तबाह किया। फिर 12 सितंबर को यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट पर बहुत बड़ा हमला कर 2 वॉरशिप्स को तबाह किया। इसी हमले में 1 रूसी सबमरीन को भी काफी नुकसान पहुंचा है। फिर 19 सितंबर को यूक्रेन ने 2 और रूसी वॉरशिप्स को नुकसान पहुंचाया। 21 सितंबर को फिर 1 फ्रिगेट को यूक्रेन ने नुकसान पहुंचाया। 22 सितंबर को तो यूक्रेन ने रूसी नेवल हेडक्वार्टर को ही उड़ा दिया, जिसमें ब्लैक सी फ्लीट के कमांडर समेत 35 नेवी अफसरों की मौत हुई। रूस को ये नुकसान तब हुआ जब ब्लैक सी में उसकी नेवी का सबसे ताकतवर हिस्सा मौजूद रहता। जंग शुरू होने के बाद से ब्लैक सी में रूस के 5 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट मौजूद हैं। इसके साथ ही 2 क्रुइक क्लास शिप, 3 क्रुइक 5 क्लास शिप जिसमें कैलिबर और ऑनिक्स मिसाइल मौजूद है। इसके साथ ही M2M सर्च रिडार वाले फ्रिगेट का एक बेड़ा है। पानी के अंदर 4 किलो क्लास सबमरीन और 3 अटैक सबमरीन मौजूद है और इनका साथ देने के लिए 4 एलिगेटर शिप और 6 एम्फीबियन क्लास फ्रिगेट। ब्लैक सी में रूस की शक्तिशाली सेना को यूक्रेन ने पूरी तरह से जख्मी कर दिया है। इसकी वजह है यूक्रेन के 5 ऐसे हथियार जिनका तोड़ रूस पिछले 1 साल से नहीं निकाल सका है। इसमें पहला हथियार है नेपच्यून मिसाइल। इसके साथ ही हार्पून और स्टॉर्म शैडो मिसाइल ने रूसी नेवल फ्लीट को बुरी तरह से पस्त किया है। स्वाम ड्रोन भी रूस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन के सी बेबी ड्रोन से हो रहा है। सी बेबी ड्रोन कैसे शक्तिशाली नेवल फोर्स को तबाह कर रहा है, क्या आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं? कर्च ब्रिज पर यह विस्फोट सी बेबी ड्रोन से ही किया गया है।
ये ड्रोन पानी के ऊपर भी तैर सकता है और पानी के नीचे भी गोते लगाते हुए टारगेट तक पहुंच जाता है। 450 किलो तक विस्फोटक लेकर ये ड्रोन बिना रडार की पकड़ में आए अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। इसके बाद ड्रोन में विस्फोट होता है और इससे निकले घातक बारूदी शैल टारगेट को ध्वस्त करते हैं। इसी की मदद से यूक्रेन सेना रूस के दो सबसे बड़े जहाज मॉस्कोवा और मकारोव को ध्वस्त कर चुकी है। जिससे रूसी बेड़े को जबरदस्त नुकसान हुआ है, लेकिन ये नुकसान इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि अगर रूस का दबदबा ब्लैक सी में कम हुआ तो दुनिया का भूगोल बदल जाएगा।